अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ एरो सिलेक्शन टूल, पर्पज़ ऑफ हैंड टूल, पर्पज़ ऑफ रोटेशन टूल, हाउ टू राइट टेक्स्ट बॉक्स टूल एंड फंक्शन ऑफ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो आज के लेसन में हमने देखना है एरो सिलेक्शन टूल का क्या फंक्शन हैंड टूल क्या होता है, पर्पज़ ऑफ रोटेशन टूल क्या होता है, हाउ टू राइट टेक्स्ट बॉक्स टूल, टेक्स्ट बॉक्स टूल पे हम किस तरह राइट करते हैं, एंड फंक्शन ऑफ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का क्या फंक्शन है। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैं एन पेज को ओपन करूंगा। एन पेज ओपन किया मैंने, फायर में जाके सबसे पहले आपने न्यू, तो हमने इन चीजों के ऊपर डिस्कस किया था इसका क्या फंक्शन होता है। ओके, तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हमारे पास ये सिलेक्शन टूल है ये, दूसरा हमारे पास हैंड टूल जो है इसका क्या फंक्शन है, रोटेशन का क्या फंक्शन है, और टेक्स्ट बॉक्स पे किस तरह काम करते हैं। ये जो दूसरे ब्लीड टूल्स हैं इन पे हम बाद में काम करेंगे, इनका क्या फंक्शन होता है। तो आज हम इन टूल्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारे पास पिक टूल है, जिसे हम पिक टूल कहते हैं, एरो टूल, पिक टूल, मूव टूल। अब ये टूल होता है, ये बेसिकली आपकी राइटिंग पर्पज के लिए यूज है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस टूल के ऊपर, अब देखिए मैं इस टूल के ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कोई कर्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कर्सर आ जाए जिस पे मैं लिखूँ, तो मैं यहाँ से हैंड टूल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कर्सर आ गया, आप देख सकते हैं। अब इस कर्सर वाली जगह पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहेंगे आप यहां से लिख सकेंगे, जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है आप यहां पे लिख सकते हैं टेक्स्ट। तो मैं यहां पे सिंपल में अगर लिखता हूं, तो मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि जब आप एन पेज फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, प्रेफरेंस में जाके आप कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे और इसको आप यहां से फोनेटिक कीबोर्ड यूज करोगे। ओके, पाकिस्तान, तो मैंने यहां पे लिखा जी पाकिस्तान, देखिए यहां पे लिखा जा रहा है। तो बेसिकली आज के इस लेसन में हम जो जिन चीजों पे काम करेंगे वो क्या है, अब देखिए यहां पे कर्सर है, अब देख सकते हैं मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ाता हूं, तो साइज अब 200 करें, साइज बढ़ गया। पाकिस्तानी जो मैंने लिखा है पाकिस्तान, अब देखिएगा कि मैं यहां पे जब इस टूल पे मैं क्लिक करूंगा पिक टूल पे, तो देखिए मेरे पास कर्सर खत्म हो गया, ना तो मैं इस पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकता हूँ ना इसको मूव कर सकता हूँ। तो मूव करने के लिए हमेशा हैंड टूल यूज किया जाएगा। हैंड टूल आप यूज करोगे, इसे आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सब काम कर सकते हो, एंटर करके इसे नीचे ले आओ, इसे कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, आपकी मर्जी है, जो भी काम करना चाहो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट रोटेशन टूल जो होता है, ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम आता है। मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, अब देखें इस ऑब्जेक्ट को जब मैं ड्रॉ करता हूँ उसको मूव करता हूँ तो मूव नहीं होगा। देखें मूव करने के लिए मैंने कौन सा टूल लेना है, यहाँ पे पिक टूल लेना है। अब पिक टूल का फंक्शन क्या है कि इसे मूव कर सकते हैं आप, इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूव करना इजीली आप मूव भी कर सकते हैं। तो पिक टूल ये काम करता है, जबकि हैंड टूल जो होता है आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट में कर्सर इंसर्ट करने के लिए सारे काम हैंड टूल करता है। अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं रोटेशन टूल यूज करूंगा। रोटेशन टूल लिया मैंने, देखिए मेरे पास एक रेडियस बना हुआ है और इसके थ्रू आप देखिए रोटेट कर रहे हैं आप, देखिए जितना भी रोटेट करना चाहें आप देखिए यहां से कर सकते हैं, देख सकते हैं रोटेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास रोटेशन के लिए रोटेट टूल। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो टूल है हमारे पास टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल में दो किस्म के टेक्स्ट टूल होते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है और एक हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो पहले वाले हम टूल पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट टूल पे मैंने क्लिक किया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक सिलेक्ट किया, देखें यहाँ पे मेरे पास एक रेंज बन गई। तो बेसिकली जब भी कोई न्यूज़ रिपोर्टर या फिर जो अब आपके अखबार वगैरह में आपका कोई एड वगैरह पोस्ट होता है, एड वगैरह लगता है, तो वो जो एड होता है उस एड के लिए जो बॉक्स बनाया जाता है वो एक स्पेसिफिक जो आपको बॉक्स बनाया जाता है उसमें एक पूरे का पूरा उसे मैयर करके बनाया जाता है।
मेन वो इंचेस के फासले पे, आपके इंचेस पे आपका ऐड छपता है और उसके हिसाब से वो पैसे वहां पे लेते हैं। तो जो ऐड के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स यूज किया जाता है वो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स पे काम किया जाता है। नॉर्मल जो पेज है टेक्स्ट बॉक्स के अलावा, ये जो पेज पे हम जो कुछ लिखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरल आपके सॉरी एन पेज पे लिखने के काम आता है। जबकि बॉक्स जो होते हैं, तो बॉक्स का फंक्शन ये होता है कि जब आप अपना टेक्स्ट कोई भी जो आपने जो कुछ भी लिखा है वो टेक्स्ट आप कोरल ड्रा में लेके जाएंगे, उसमें एडिटिंग करने के लिए, उसमें आपने कोरल ड्रा में कुछ चीज बनाई भी, उसमें टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये बॉक्स बनाना बहुत जरूरी होगा। एक ही काम है। दूसरा ये काम है कि आपने जब भी आपने अगर कोरल ड्रा और एन पेज दोनों पे काम करना है तो सबसे पहले आपने एन पेज ओपन करना है, उसके बाद आपने कोरल ड्रा ओपन करना है। क्योंकि अगर आप बाद में कोरल ड्रा ओपन कर, पहले कोरल ड्रा आप ओपन करोगे बाद में एन पेज पे ओपन करके एन पेज पे काम करोगे, तो उसका साइड इफेक्ट ये है कि उससे जो सॉरी उसका डिसएडवांटेज वो ये है कि वो आपका आपने जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, जो कुछ भी आपने लिखा होगा उसकी फॉर्मेटिंग चेंज वहां पे नहीं होगी, फॉर्मेटिंग आपकी वहां पे चेंज आती है जब आप कोरल ड्रा में से इंपोर्ट करते हो या कॉपी पेस्ट करते हो। तो उसके लिए आप सबसे बेहतर यह है कि आप सबसे पहले अपना जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो आप पहले ओपन करो, एन पेज आप पहले ओपन करो और बाद में आप कोरल ड्रा ओपन करके उस पर जो भी काम करने करें। तो मैंने कोरल ड्रा पे काम किया हुआ है, मैंने जो जो काम किया है कोरल ड्रा पे और एन पेज पे दोनों पे जो काम किया है, आप वहां पे आप मेरे कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल्स फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये फंक्शन होता है हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप जो चीज भी लिखेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने यहाँ पे लिखा, देखें अब ये टेक्स्ट मैंने लिखा है तो ये यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया है अब इसे जब आप कोरल ड्रा में लेके जाएंगे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका एक्यूरेट ऐसा ही स्टाइल में टेक्स्ट जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में भी आप देखें यहाँ पे, और तो हमने सारे काम किए थे, इसका साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, बोल्ड करना है, इटैलिक का, ये सारे काम हमने किए थे। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप टेक्स्ट बॉक्स लिखते हो, आप जब पोइट्री वगैरह लिखते हो कोई भी पोइट्री वगैरह लिखते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, मैं यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉपी, जब पोइट्री लिखते हो तो उसमें जो बिल्कुल सेम वर्ड होते हैं या फिर जो एंड वाले वर्ड होते हैं तो वो आप चाहते हो कि थोड़े आगे पीछे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे थोड़ा वर्ड ज्यादा हो गया, ये यहाँ पे इस तरह हो गया, तो मैं चाहता हूँ ये बराबर बिल्कुल एक्यूरेट बराबर बराबर आ जाए, आप बिल्कुल टेक्स्ट के साथ यहाँ पे बॉक्स जो है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसे बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए आप इसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो यहाँ पे सबसे आखिर वाले पे क्लिक करो, तो देखें पाकिस्तान जिंदाबाद, इसको मैं सिलेक्ट करके मैं क्लिक करता हूँ, देखें पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये आपस में क्या हो गए, बिल्कुल आपस में सेम हो गए, एक जैसे हो गए। देख सकते हैं आप, तो ये फंक्शन था जी, आपने अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी आप ले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सिंपल सा, मैंने ये एक वर्ड लिखा है, मैंने एक फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने शेड लिखा, तो मैं इसको फर्स्ट मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके ना मैं यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट करके आप लास्ट वाले पे क्लिक करो तो देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट हो गया। आप देखें तो ये शेर व शायरी के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ये काम भी कर सकते हैं।
देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, एडजस्ट हो गए, देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है, टेक्स्ट बॉक्स पे काम आप कर सकते हैं, ये सारे काम आप टेक्स्ट बॉक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास होता है वो है जी, हमारे पास ओनली हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। उस पर आप क्लिक करेंगे, आपने कुछ एरिया सेलेक्ट करेंगे, देखिए मैं बहुत ज़्यादा रेंज पे नीचे जा रहा हूँ, तो देखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ एक रो बनाएगा जिस पे आप कोई भी काम कर सकते हो, देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक हेडिंग के लिए काम करता है, और दूसरा हमारे पास ये जो बॉक्स है ये पूरा का पूरी आपकी रेंज बनाता है, रेंज बना के आपको देते थे। तो ये था हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स, और जो जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे किस तरह काम करते हैं, रोटेशन किस तरह करते हैं, हैंड टूल और पिक टूल का क्या काम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।